नमस्कार दर्शकों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आज हम दो दिनों के बाद जब मंडी खुली है तो मंडी पहुंचे हैं मंसूर मंडी के अंदर। और खास बात यह है कि चने में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में जो है यहाँ के चने के जो व्यापारी हैं पंकज जी, उनसे बात करेंगे कि आज जो मंसूर मंडी है उसमें चने का क्या भाव रहा है, आगे चने की क्या स्थिति रहने वाली है, और आगे जब छुट्टियां हैं तो उसके बाद में जो फिर से जब मंडियां खुलेगी तो चने में क्या उछाल आएगा या चने में जो है नरमी आएगी, तो पूछते हैं और समझते हैं कि चने की क्या स्थिति है। पंकज जी, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या बाजार रहा, क्योंकि दो दिन के बाद मंडी खुली है? दो दिन बाद मंडी आपके कम है, शादी ब्याह चल रहा है आपके, तो सभी चीज़ों की कम है। सोयाबीन बिका है 46-46.5 ऊंचे में, और चने 57-58 रुपए हैं। चने का क्या बाजार रहा आज? चना आज सुधार है, चने में 57-58 रुपए हैं। चने में आव के खैर कम है। कितना उछाल आया है? अगर उछाल तो क्या, 53 के चने 58 रुपए हो गए, 52 53 के चने 58-500 रुपए बढ़ गए कम से कम देखा जाए तो। कोई कारण है कि डिमांड? ये शादी ब्याह है थोड़ी अच्छी है इस बार। बेसन चने में ही चलना जो भी चलना है, क्योंकि सोयाबीन बनना नहीं है। और दूसरी क्या है, लहसुन में इनमें भविष्यवाणी कर दी कि लहसुन में तेजी हो जाएगी अच्छी खासी, तो लोग क्या लहसुन वसन नहीं बेचेंगे, अभी लहसुन रोक लेंगे सब किसान, लहसुन सब रोक लेगा। अभी जो भी माल बेचना है वो ये दूसरी चीज़ निकालेगा, सोयाबीन बड़ी है, ये बड़ी है, ये चना भी जैसे अभी इस बार क्या है, उत्पादन भी थोड़ा ज़्यादा इतना नहीं है ठीक है, इसलिए चना बड़ा इस बार और सुधर सकता है, चना अभी और सुधार आएगा। तो पंकज जी कहना है कि जो चना है, क्योंकि खास बात यह है कि अभी शादी ब्याह का सीज़न चालू हो गया है, इसके अलावा इसके साथ ही मंडी में जो है आवक भी थोड़ी कम हो गई है, तो चने की जो डिमांड है वो शादी ब्याह के सीज़न में ज़्यादा होती है, तो इस बार जो है अभी का जो कंडीशन है पिछले 6-7 दिन की बात करें तो 400-500 रुपये के चने में सुधार आया है। और कुछ दिन और जो बता रहे हैं कि 6000 तक जो है चना जा सकता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, उत्पादन भी कम हुआ है, तो चने में अच्छा सुधार देखने को यहाँ मिल रहा है। आज जो चने में चना है उसमें आज भी थोड़ी जो है जो कीमत है उसमें अच्छी वृद्धि हुई है, तो आगे भी मान सकते हैं कि चने में अच्छा सुधार आ सकता है और कीमतें किसानों को अच्छी मिल सकती है, बाजार चने का अच्छा बता रहे हैं।